बेनामी संपत्ति को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो बातें कही वे बड़ी दिलचस्प हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष में इशारा करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और यहां तक कहा कि उन्होंने तो कानून बनाकर पटक दिया था, लेकिन हम उसे अमल में लेकर आए हैं। आइए देखते हैं मोदी जी का यह दिलचस्प वीडियो। जरा आप लोग बताइए, 1988 में जब समान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत इस सदन में आपके पास था, दोनों सदन में आपके पास था, पंचायत से पार्लियामेंट तक सब कुछ आपके कब्जे में था, आप ही आप थे, कोई नहीं था। 1988 में आपने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया। आपको जो ज्ञान आज हुआ है, क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया? क्या कारण था उसको दबोच कर? अगर उस समय नोटिफाई किया होता तो जो ज्ञान आज आपको हुआ है, 26 साल पहले की स्थिति थोड़ी ठीक थी, देश बहुत जल्दी साफ सुथरा होने की दिशा में एक काम हो जाता। वो कौन लोग थे जिनको कानून बनने के बाद ज्ञान हुआ कि अब कानून दबाने में फायदा है? वो किस परिवार? आप इससे बच नहीं सकते। आप किसी का नाम दे करके बच नहीं सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा देश को। जो ज्ञान आज हुआ है, और ये सरकार है जिसने नोटबंदी से पहले पहला कदम उनके खिलाफ उठाया, कानून बनाया है, और मैं आज इस सदन के माध्यम से भी देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप कितने ही बड़े क्यों न हो, गरीब के हक का आपको लौटाना पड़ेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।